दोस्तों, अगर आप भी विराट कोहली और रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, किंग कोहली जैसा महान दूसरा कोई नहीं। पहले स्टीव स्मिथ और फिर नवीन उल हक के लिए दरिया दिल्ली दिखाते हुए किंग कोहली ने जो महानता दिखाई है, उसके बाद तो स्टीव स्मिथ की भी आंखें नम हो गई। और किंग कोहली की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए इस ऑस्ट्रेलियाई सुपरस्टार ने जो बयान जारी किया, सच में आप भी विराट कोहली को दिल से सलाम करेंगे। आखिर क्या था वह लम्हा जब विराट ने एक बार फिर से करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों के लिए महानता की मिसाल पेश की। स्मिथ के उस दिल झूलेने वाले बयान को भी हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, स्मिथ कोहली और रोहित में कौन इस विश्व कप में सबसे अधिक रन बनाएगा? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मॉडर्न क्रिकेट का यदि कोई बेताज बादशाह है तो वह है किंग कोहली। जहां यह खिलाड़ी न केवल अपने बल्ले से बड़े बड़े गेंदबाजों को दिन में तारे दिखाता है, हारे हुए मुकाबले को भी चुटकियों में पलट कर रख देता है, बल्कि अपने एग्रेशन एटीट्यूड और खेल की भावना की वजह से लोगों के दिलों में राज करते हैं। ऐसा ही कुछ एक बार फिर से इंडिया और अफगानिस्तान के बीच हुए महामुकाबले में उन्होंने किया। जी हाँ, यह बात तो किसी से भी छुपी नहीं है कि विराट कोहली और नवीन उल हक की तकरार की वजह से इंडिया और अफगानिस्तान के मैच की इतनी अधिक हाइप बनी हुई थी। अपने होम ग्राउंड दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में विराट अपने जाने माने जानी दुश्मन नवीन उल हक से भिड़ंत को तैयार थे। पूरी दुनिया इन दोनों की जंग के लिए बेकरार थी, लेकिन किंग कोहली ने एक बार फिर वही किया जिसके लिए वह जाने जाते हैं। जी हाँ, नवीन का करियर तो रोहित शर्मा ने बर्बाद किया, लेकिन विराट कोहली ने बीच मैदान में नवीन उल हक के कंधे पर हाथ रखकर न केवल उन्हें गेंदबाजी के लिए ऑल द बेस्ट कहा, बल्कि अपने बीच के सभी गिले सिखों को दूर करते हुए सोशल मीडिया के दुश्मनी की आग को पूरी तरीके से ठंडा कर दिया। केवल इतने में ही विराट ने मैच नहीं के बाद उन्होंने नवीन उल हक को सीने से लगाकर बताया कि असली खेल भावना होती क्या है। ऐसा ही कुछ उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई सुपरस्टार स्टीव स्मिथ के लिए भी किया था। जब सैंड पेपर कांड से क्लीन चिट मिलने के बाद स्टीव स्मिथ इंटरनेशनल क्रिकेट में वापसी कर रहे थे, तो इंडिया के खिलाफ मुकाबले में भारतीय फैंस ने बीच मैदान में उनका मजाक बनाना शुरू कर दिया। दोस्त वक्त वह विराट कोहली थे जिन्होंने फैंस को चुप करवाया और स्टीव स्मिथ के लिए तालियां बजाने को कहा। इसके बाद फैंस ने भी विराट का सम्मान करते हुए स्टीव स्मिथ के लिए जोरदार नारे लगाए। स्मिथ ने भी कोहली को उसके लिए धन्यवाद किया और जब दोबारा विराट ने महानता दिखाई तो स्टीव स्मिथ की भी आंखें नम हो गई। जी हाँ दोस्तों, स्टीव स्मिथ का रिएक्शन दस सच में देखने लायक था और अब उन्होंने विराट की तारीफों के कसीदे पढ़ते हुए कहा, विराट कोहली मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे बड़े लेजेंड है। वह केवल एक महान खिलाड़ी नहीं बल्कि महान इंसान भी है जो अपने साथी खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट करना और खेल को सम्मान देना जानते हैं। जब मुझे ट्रोल किया जा रहा था तो वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने मेरा समर्थन किया और मेरा हौसला बढ़ाया। मैं वह दिन आज भी नहीं भूल पाया हूँ। यदि उस दिन विराट मेरे लिए खड़े नहीं होते तो हो सकता है कि मैं अब तक क्रिकेट को अलविदा भी कह चुका होता। विराट ने मुझे हौसला दिया इस दुनिया से खड़े लड़ने का और अपने हक के लिए खड़े होने का। मैं उनका यह एहसान आज भी नहीं भुला पाया हूं और उनका शुक्रगुजार हूं। उनके साथ क्रिकेट खेलने मेरे करियर के लिए सबसे यादगार लम्हों में से एक है। जी हाँ दोस्तों, सच में यदि परफेक्ट की कोई डेफिनेशन होती है तो उसे विराट कोहली के रूप में जाना जाएगा। जहां स्टीव स्मिथ के साथ आज फिर बताया कि आखिर क्यों विराट सभी के दिलों में राज करते। दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा को महान खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, रोहित शर्मा ने पहले अपने बल्लेबाजी से करोड़ों भारतीयों का दिल जीता और फिर अपना मैन ऑफ द मैच विराट कोहली को देकर लूटी विश्व कप की पूरी महफिल और दिया करोड़ों भारतीयों का दिल जीत लेने वाला बयान, जिसे देखकर लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। तो आखिर रोहित शर्मा ने क्यों दिया विराट कोहली को अपना मैन ऑफ द मैच? कैसे अपने बल्ले से तांडव मचाते हुए भारतीय टीम को दिलाई एक तरफा यादगार जीत, सब कुछ आपको बताएंगे, वीडियो में दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और विराट कोहली में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में विश्व कप के अपने पहले मुकाबले में टीम इंडिया ने गदर काटते हुए ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, लेकिन दूसरे मुकाबले में भी भारतीय टीम ने अफगानिस्तान को करारी धूल चटाते हुए रोहित शर्मा की तूफानी बल्लेबाजी से भारतीय टीम ने मैच को एक तरफा जीत लिया। अब आपको बता दें कि इस मुकाबले में अफगानिस्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और भारत की खतरनाक गेंदबाजी के आगे अफगानिस्तान टीम केवल 50 ओवर में 271 रनों का स्कोर भारत के सामने रख पाई। अब जवाब में उतरे भारतीय टीम के ओपनर बल्लेबाज कप्तान रोहित शर्मा और ईशान किशन। इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को बेहद ही अलग अंदाज में पारी की शुरुआत दे दी। रोहित शर्मा ने बेहद ही आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान के हर गेंदबाज की कमर तोड़ धुलाई कर दी और एक के बाद एक उन्होंने छक्के लगाए, चौके जड़े, जिसे देखकर पूरा क्रिकेट जगत ही नहीं बल्कि पूरा विश्व हैरान रह गया। अब रोहित शर्मा बेहद ही अलग अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे। नवीन उल हक से लेकर राशिद खान तक हर गेंदबाज की जमकर धुनाई की और एक के बाद एक कई अच्छे अच्छे शॉट्स लगाए और अकेले ही अपने दम पर रोहित शर्मा ने मैच को एक तरफा कर दिया। और देखते ही देखते रोहित शर्मा ने इस मैच में अपना
तूफानी शतक जड़ दिया और विराट कोहली ने भी इस मुकाबले में शानदार शतक जड़ा, जिसकी बदौलत भारतीय टीम इस मुकाबले को 8 विकेट से अपने नाम कर पाई। अब इस यादगार जीत के बाद रोहित शर्मा ने एक बार फिर से ऐसी हरकत कर दी जिससे पूरे विश्व की महफिल अपने नाम कर ली। इस बार उन्होंने बड़ी महानता दिखाते हुए अपना पूरा का पूरा अवार्ड विराट कोहली को देने का ऐलान कर दिया। बेहतरीन पारी खेलने के बाद रोहित, जो कि अवार्ड उनको दिया गया था, वो उन्होंने अपने सबसे घनिष्ठ मित्र विराट कोहली के नाम कर दिया। अब ये सुनते ही विराट कोहली की आंखें नम हो गईं और उनकी आंखों में आंसू आ गए। इन दोनों खिलाड़ियों ने दोस्ती की मिसाल पेश करते हुए करोड़ों क्रिकेट फैंस का दिल जीत लिया। वहीं रोहित शर्मा ने अवार्ड देते हुए विराट कोहली को कहा कि आज का दिन हमारी टीम का था, जो भी कुछ मैंने आज के मैच में किया ये सब टीम के वजह से, क्योंकि टीम जब अच्छा परफॉर्म करती है तो खुद अपने आप प्रदर्शन अच्छा होने लगता है। वहीं पे हमारे अलावा ईशान किशन और विराट कोहली ने भी बेहतर प्रदर्शन किया है। मैं विराट कोहली के प्रदर्शन से बेहद खुश हूं। अगर विराट अपना ऐसा ही प्रदर्शन जारी रखेंगे तो विश्व कप जीतने में कोई हमें दिक्कत नहीं होने वाली है। तो दोस्तों, देखा आपने इन दोनों खिलाड़ियों ने दोस्ती की मिसाल पेश की बीच मैदान में ही। और आपको क्या लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा में सबसे खतरनाक बल्लेबाज कौन है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, जसप्रीत बुमराह की शानदार गेंदबाजी के बाद आया कप्तान रोहित का तूफान। जी हाँ दोस्तों, भारत और अफगानिस्तान के बीच दिल्ली के मैदान पर खेले गए इस रोमांचक मैच में जसप्रीत बुमराह की कातिलाना गेंदबाजी के बाद रोहित शर्मा ने अपने बल्ले से आतिशी शतकीय पारी खेलकर मैदान पर इस कदर कोहराम मचाया जिसके सामने अफगानिस्तानी सितारों से सजी हुई जमीन नतमस्तक होने के लिए मजबूर हो गई। तो आखिरकार कैसे जसप्रीत बुमराह की तूफानी गेंदबाजी के बाद रोहित शर्मा ने अपनी शतकीय प्रहार से भारत को शानदार जीत दिलाई, ये तो हम आपको बताएंगे। साथ ही साथ इस रोमांचक मैच की रोंगटे खड़े कर देने वाली हाईलाइट का वीडियो भी हम आपको दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए पूरा वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि इस मैच में भारतीय टीम की जीत का हीरो कौन है, जसप्रीत बुमराह, रोहित शर्मा या फिर कोई और? अपनी राय हमें नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, विश्व कप 2023 का सबसे रोमांचक मैच आज अफगानिस्तान बनाम भारत के बीच में खेला गया, जो दिल्ली के फिरोज शाह कोटला यानी कि अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां पर अफगानिस्तान के कप्तान शहीदी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, जो गलत साबित हुआ क्योंकि पहले बल्लेबाजी कर अफगानिस्तान की टीम ने 272 रन 8 विकेट के नुकसान पे बना दिए, जहां पर भारतीय टीम की तरफ से रविचंद्रन अश्विन की जगह शार्दुल ठाकुर को खेलने का मौका मिला। तो वहीं दूसरी तरफ अफगानिस्तान की टीम बिना किसी बदलाव के मैदान पर आई। इस दौरान अफगानिस्तान की टीम की तरफ से पारी की शुरुआत करने के लिए रहमतुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम ने मैदान को संभाला, तो वहीं पे दूसरी तरफ से गेंदबाजी की शुरुआत जसप्रीत बुमराह ने करी। हालांकि पहले ओवर में मात्र एक रन के साथ ही भारतीय टीम को बेहतरीन तरीके से शुरुआत मिली, लेकिन इस दौरान दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी की। लेकिन इसी बीच सातवें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 32 रन के स्कोर पर अफगानिस्तान को पहला झटका दे दिया। अब जहां पर उन्होंने बल्लेबाज इब्राहिम को 28 गेंद पर 4 चौके की मदद से 22 रन बनाने के बाद विकेटकीपर राहुल के हाथों कैच आउट करवा दिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए रहमत शाह मैदान पर आए और इस दौरान पावर प्ले के अंदर 48 रन 1 विकेट के नुकसान पर अफगानिस्तान की टीम ने बना लिए। लेकिन इसी बीच 13वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने दूसरा झटका रहमतुल्लाह गुरबाज को आउट करके दे दिया, जहां रहमतुल्लाह गुरबाज बाउंड्री पर शार्दुल ठाकुर के शानदार कैच के चलते 28 गेंदों पर 3 चौके और 1 छक्के की मदद से 21 रन बनाकर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान शहीदी मैदान पर आए, लेकिन दूसरी तरफ से बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे रहमत शाह 14 ओवरों में शार्दुल ठाकुर के सामने LBW हो गए। इस दौरान रहमत शाह 22 गेंदों पर 3 चौके की मदद से 16 रन बनाकर पवेलियन को लौटे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए अजमतुल्लाह आए और इस दौरान 63 के स्कोर पर 2 विकेट गिर जाने के बाद कप्तान शहीदी और अजमतुल्लाह ने मिलकर टीम को संभाला और महत्वपूर्ण 121 रनों की साझेदारी कर दी। अब जहां 32 ओवरों में अजमतुल्लाह, तो वहीं पे 33वें ओवर में कप्तान शहीदी ने अपना अर्धशतक पूरा किया। लेकिन इसी बीच 35वें ओवर में हार्दिक पांड्या ने इस महत्वपूर्ण साझेदारी को तोड़ दिया और अजमतुल्लाह को 69 गेंदों पर 2 चौके और 4 छक्कों की मदद से 62 रन बनाने के बाद क्लीन बोल्ड कर दिया। इसके बाद तो अब बल्लेबाजी करने के लिए मोहम्मद नबी आए और इस दौरान मोहम्मद नबी और कप्तान शहीदी ने मिलकर टीम को संभाला। तो वहीं पर 43वें ओवर में 225 रन के स्कोर पर कुलदीप यादव ने 5वां झटका कप्तान शहीदी को 88 गेंदों पर 8 चौके और 1 छक्के की मदद से 80 रन बनाने के बाद LBW आउट करके दे दिया।
इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए नजीबुल्लाह आए, जिनका 45वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने विराट कोहली के हाथों 8 गेंद पर 2 रन बनाने के बाद कैच आउट करा के विकेट झटक लिया। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए राशिद खान मैदान पर आए तो दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे मोहम्मद नबी 27 गेंदों पर एक चौके की मदद से 19 रन बनाने के बाद इसी ओवर में जसप्रीत बुमराह की गेंद पर LBW आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मुजीबुर रहमान मैदान पर आए तो वहीं पे दूसरी तरफ से बल्लेबाजी कर रहे राशिद खान को 49वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने 12 गेंदों पर एक चौके और एक छक्के की मदद से 16 रन बनाने के बाद कुलदीप यादव के हाथों कैच आउट करा दिया। और उसके बाद बल्लेबाजी करने नवीन उल्हक आए, जो कि 8 गेंदों पर एक चौके की मदद से 9 रन बनाकर नाबाद रहे। तो वहीं पे दूसरी तरफ मुजीबुर रहमान ने 12 गेंदों पर 2 चौके की मदद से 10 रन बनाकर नाबाद पारी खेली, जिसके चलते अफगानिस्तान ने 272 रन 8 विकेट के नुकसान पे बना दिए। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत और अफगानिस्तान के मैच में जीत का हीरो कौन रहा? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।